उनका आनंद लीजिए। और रही मेरी बात, तो मैं कुछ पंक्तियां आपको देता हूं, स्वागत स्वागत, क्योंकि कार्यक्रम की व्यस्तता के बीच पढ़ पाना थोड़ा सा असहज महसूस होता है, लेकिन जैसा कि चुनाव आ रहा है दादा, चुनाव आ रहा है, मैं एक मुक्तक से अपनी बात करता हूं। स्वागत स्वागत। और उसके पहले माँ वीणा पाणी को एक छंद समर्पित करता हूँ कि जय अम्ब विलम्ब नहीं करना, जय अम्ब विलम्ब नहीं करना, मति फेर न देर जरा करना, है ज्ञान की प्यास की आस लिए, है ज्ञान की प्यास की आस लिए, उर प्यास बुझा के त्रिषा हरना, करना गर मातु कृपा इतनी, करना गर मातु कृपा इतनी, निज कंठ पे वास किया करना, असर शब्द के खाली न जाए कभी, बन गंग की धार बहा करना, हर ना हर क्लेश न शेष रहे, हर ना हर क्लेश न शेष रहे, यह नेह विशेष दिया करना, करना गर मातु कृपा इतनी, निज कंठ पे वास किया करना। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए, हालांकि गीत दादा जैसे जब गीतकार हो तो अपने को तो गीत ये कहने का कोई औचित्य ही नहीं कि मैं भी गीत लिखता हूँ पढ़ता हूँ, हालांकि मैं भी गीत लिखता हूँ लेकिन गाता नहीं, प्रयोग नहीं करता, कारण ये हमारी चेचिस बाड़ी देख रहे हैं, चेचिस बाड़ी में इतना ही दम है, और गीत गाने में साधना है गुरु, आवाज हिंचना पड़ता है, और आवाज हिंचे कहीं आवाज हिंची रह गई तो ये मेरा आखिरी गीत होगा, इसीलिए मुझे प्रयोग नहीं करता। हालांकि देखने में आपको मैं 36 किलो का समझ में आ रहा हूँ, और वास्तव में यही है भी सत्य, मैं 36 किलो का हूँ, 36 साल मेरी उम्र है, छत्तीसगढ़ वाली से संबंध है, और इस समय 36 का आंकड़ा भी है। देखिएगा ये तो हंसने हंसाने की बात थी, देखिएगा कि सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, चुनाव आ गए हैं, लोगों के बात व्यवहार और बोलियों में बदलाव है, तब कहता हूँ कि सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, बातों के व्याकरण बदल रहे हैं, आदमी के आचरण बदल रहे हैं, औरतों के अलंकरण बदल रहे हैं, विसंगतियों का अंधेरा है, खोटे सिक्के चल रहे हैं, संभल के चलना, लोग रंग बदल रहे हैं, संभल के चलना, लोग रंग बदल रहे हैं। जय हो। जैसा कि आज संविधान दिवस है, मैं भी देखता हूँ और न्यायपालिका को जब देखता हूँ तो ये लगता है कि क्या ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है, लेकिन आंखों से देखता हूँ तब ये पंक्तियां मैं लिखता हूँ कि कल भरी इजलास में था सच यहाँ नंगा हुआ, कल भरी इजलास में था सच यहाँ नंगा हुआ, और उसने ऐसा क्या कहा, उसने ऐसा क्या कहा जो शहर में दंगा हुआ, कल भरी इजलास में था सच यहाँ नंगा हुआ, और उसने ऐसा क्या कहा जो शहर में दंगा हुआ, मौन मस्जिद की मीनारे, मौन मस्जिद की मीनारे, मंदिरें खामोश थी, खून से लथपथ सड़क थी, आदमी नंगा हुआ, उसने ऐसा क्या कहा जो शहर में, उसने ऐसा क्या कहा जो शहर में दंगा हुआ। और एक हिंदी की बात, एक छंद में चूंकि कंगन और चूड़ी और बेंदी की बात कर रही थी तो यकायक वो स्मृतियों में आ गई, वो रचना मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक छंद कि माथे के बेंदी और हाथ के कंगन, माथे के बेंदी और हाथ के कंगन, पावो महावर मानो है हिंदी, माथे के बेंदी और हाथ के कंगन, पावो महावर मान है हिंदी, और माई के अचरा के नेह दुलार, माई के अचरा के नेह दुलार, माथे के टीका गुमान है हिंदी, आंगन के तुलसी चौरा, आंगन के तुलसी चौरा, किल कारिन से हुल शान है हिंदी, मीरा कबीर असुर की बानी है, दिनकर का उपमान है हिंदी, मीरा कबीर असुर की बानी है, दिनकर का उपमान है हिंदी। बीती सरकारों में जो हुआ
उसको बयान करते हुए मैं अपना स्थान लूंगा, क्योंकि हमारे अतिथि कवि बैठे हैं और हमको तो आप लोग बराबर सुनते रहते हैं। ये पिछली सरकारें जब थी तब मैंने लिखा कि लोकतंत्र का हत्यारा जब संसद के गलियारों में हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ जितने भी लोग पदेन हैं, पार्टी से हैं, वो कुछ देर के लिए अपना इस्तीफा स्वीकार कर ले और मैं काव्य पाठ करता हूँ कि लोकतंत्र का हत्यारा जब संसद के गलियारों में हो, चौराहों पे चीर हरण हो, सीता जंगल खारों में हो, मरे आदा की सीमा रेखा लांग रहा रावण जब छल से हमारे पड़ोसी मुल्क, मरे आदा की सीमा रेखा लांग रहा रावण जब छल से, शिक्षा संस्कृति के सारे पाठ लगे होने निष्फल से, अर्जुन का गांडीव मौन हो, अर्जुन का गांडीव मौन हो, मौन राम की प्रत्यंचा हो, सुनी सुनी रहे अयोध्या उस पर जब हस्ती लंका हो, सुनी सुनी रहे अयोध्या उस पर जब हस्ती लंका हो, सच का साम्राज्य हारा हो, सच का साम्राज्य हारा हो, सत्ता झूठों की चेरी हो, सच का साम्राज्य हारा हो, सत्ता झूठों की चेरी हो, सोनित की नदियां बहती हो, भाई भाई का बैरी हो, सोनित की नदियां बहती हो, भाई भाई का बैरी हो, दसों दिशाओं में तम छाया, दसों दिशाओं में तम छाया, सूरज साजिश का शिकार हो। तमाम आसाराम रामपाल एक लाइन में देखेगा कि दसों दिशाओं में तम छाया, सूरज साजिश का शिकार हो, मानव की तृष्णा जागी हो, जागे मन के फिर विकार हो, मानव की तृष्णा जागी हो, जागे मन के फिर विकार हो, धरा धैर्य के बंध तोड़ती गगन करुण चित्कार भरी हो, नैतिकता की नाव डूबती जन में संवेदना मरी हो, नैतिकता की नाव डूबती जन में संवेदना मरी हो, संवादों के तट सुने हो, संवादों के तट सुने हो, संबंधों में जहर भरा हो, रात विसंगतियों की नंगी सूरज सहमा और डरा हो, रात विसंगतियों की नंगी सूरज सहमा और डरा हो, और फसल बबूलों के बोने की, जैसा कि चुनाव आ गया है, फसल बबूलों के बोने की चाल सियासत जब चलती हो, फसल बबूलों के बोने की चाल सियासत जब चलती हो, नयन नेह की बातें करती हृदय देश ज्वाला जलती हो, पग पग पे पीड़ा पट रानी, पग पग पे पीड़ा पट रानी, दर्दों से दुनियादारी हो, हवा हवा में जहर घुला हो, जीना जैसे दुश्वारी हो, हवा हवा में जहर घुला हो, जीना जैसे दुश्वारी हो। क्योंकि मैं सह संयोजक भी हूँ और इस माटी से जुड़ा हुआ भी हूँ, इसलिए एक बार मैं विनम्र एक बार सबको मैं चरण स्पर्श करके क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी का नाम छूटा, किसी को सम्मान देने मुझसे, लेकिन हालांकि मैं हृदय से पूरा सम्मान सबको दे रहा हूँ, सबका कर रहा हूँ। आपने ये सहयोग दिया, मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि अगला क्रम भी शुरू हो। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां कन्हा भाई के लिए।